press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की दबंग बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो पाकिस्तान को जम के धोएंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ मौजूद है नाज़िया अली खान जी, किसी तारफ की मोहताज नहीं है, मेरे ऊपर खसूसी इनका प्यार इनकी शफकत है कि जब भी मुझे कोई भी चीज इनसे समझनी हो, कोई राय लेनी हो, तो मैं इनसे जो है इनकी मसरूफियत के बावजूद इनका टाइम मैं हासिल कर लेता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नमस्कार, जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। अच्छा बहन, आज जो टॉपिक है वो ये है कि एक लफज है, अरबी का लफज समझ लें, उर्दू का समझ लें, तागूत उस लफज है, वो मुझे उसके मीनिंग का नहीं पता था। तो मैंने एक वीडियो देखी, पाकिस्तान के एक स्कॉलर है साहिल अदीम, उनका नाम है, बहुत ही फेमस है, पाकिस्तान की जो यूथ है बहुत गौर से बहुत उनको सुनती है। उन्होंने एक टीवी शो के दौरान एक जो वहां पर बैठी हुई थी महिला, उससे पूछा कि तागूत का क्या मतलब है। तो उसने बोला कि जी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें तागूत के मतलब का नहीं पता तो तुम जाहिल हो। और उन्होंने उसके साथ साथ ये कहा कि पाकिस्तान की जितनी भी 95% महिलाएं हैं वो जाहिल हैं। आप पहले ये एक क्लिप है ये देखें, उसके बाद में फिर इसके ऊपर आपकी राय में लूंगा। जी आपने क्लिप देखा, वो बार बार एक ही चीज को लेके बात कर रहे हैं कि जी इसको तागूत के मतलब का नहीं पता लिहाजा ये जाहिल है। और वो कह रहा है कि जी इसके जिम्मेदार हम हैं कि जी लाहौर में जो लड़की एक बैठी है 20 साल उसकी एज हो गई, उसको तागूत के मतलब का नहीं पता। तो तागूत के मतलब का तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी अभी डिक्शनरी बल्कि गूगल के ऊपर सर्च करके देखा कि इसका क्या मतलब है। तो क्या मैं भी जाहिल हूँ? आपको पता है, वैसे मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। और ये इसके बारे में आपकी जो इस तरह के स्कॉलर हैं कि जो एक लफ्ज की वजह से जो जिसने सारी उम्र तालीम हासिल की, जिसने सारा कुछ समझा पढ़ा, लेकिन उसको अगर तागूत के मतलब का नहीं पता तो उसको वो जाहिल डिक्लेयर कर रहा है, उसको ये कह रहा है कि जी तुम बिल्कुल जाहिल हो, इसके बारे में क्या राय है आपकी? और पाकिस्तान की बच्चियों को, महिलाओं को जाहिल रखने वाला कौन है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर? जहालत तो मर्दों की, मुसलमान मर्दों की पाकिस्तान में तब दिखी थी जब एक औरत हलवा पहन करके, अरबिक वर्ड पहन करके जब वो निकली थी और उसको सरे बाजार नंगा कर करके आंखें सेकने का कारोबार मुसलमान मर्दों ने स्टार्ट किया था, और पता भी नहीं, और उनको अरबी के वो मायने भी नहीं पता थे कि हलवा का मतलब होता है खूबसूरत। जी इसलिए मैं बहुत बार एक जोक मैं सुनाती हूँ कि एक मुसलमान जो है वो सऊदी अरबिया गया और उसने बैतुल खुला देखा लिखा हुआ तो वो चूमने लगा और जब उसके बगल के शेख ने पूछा कि तुम इसको चूम क्यों रहे हो, तो कह रहा है कि वो अरबी लिखा हुआ है ना, दुआएं लिखी हुई है ना, तो फिर वो कहता है कि ये लिखा हुआ पकाना, हग सकते हो, मूंछ सकते हो। तो ये है इस्लाम के मानने वाले ऐसे ऐसे जाहिल लफंदर आवारा लोग। अब आती है बात, तागूत का मतलब जो होता है वो ओनली वन गॉड होता है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, एक अल्लाह है इसके अलावा कोई नहीं, तागूत। अब आती है बात कि हमारे मुसलमान में, शायद अभी जो मैं बोलने वाली हूँ वो आप भी समझ जाएंगे, हमारे मुसलमानों में बहुत सारे जो महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुष जो हैं वो दुआए गंजुल अर्श पढ़ते हैं। दुआए गंजुल अर्श पढ़ते। अब मैं उन तमाम महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को और मर्दों को जाहिल और बदतमीज बोलूंगी जो लोग दुआए गंजुल अर्श पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे अल कुरान में गाफ कहीं पर लिखा हुआ नहीं है और दुआए गंजुल अर्श अल कुरान का कोई सूरा ही नहीं है, वो खुद से बनाया गया है। ठीक है, अब आती है बात कि ये जो साहब है ये बैठ करके बड़े अजीब से दिख रहे थे, मुझे तो शक्ल से ही चर्सी दिख रहे थे। बगल में जो एक खान ड्रेस पहन करके जो एक और मर्द बैठा हुआ है वो तो सिगरेट पी करता, बहुत सारी शायरी वायरी करता था
और इन फ्रंट ऑफ कैमरा सुट्टाबाजी करता था। उसकी बहुत सारी शायरी जो है वो काफी फेमस हुई थी, अभी आजकल काफी चर्चित टाइप का हो गया है। द सेकंड ड्रामे भी लिखता है वो। हाँ, द सेकंड थिंग इज कि जेंडर इक्वालिटी तो हमारे अलकुरान में है। आप कैसे 95% महिलाओं को आप जाहिल कह करके पुकार रहे हैं? इसका मतलब है कि जो चर्सी आदमी बैठ करके एक छोटी सी बच्ची शायद 20 या 21 साल की होगी, उसको जो इतना बेइज्जत और डिफेम कर रहा था, उसने कुरान के सूरे अल इमरान वर्सेस 195 और सूरे अन-निसा वर्सेस 124 पढ़ा ही नहीं, जिसमें साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है कि जेंडर इक्वालिटी हमारे हमारे इस्लाम में सबसे ज्यादा इंडिकेट किया गया है अल कुरान के अंदर, और सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, जिसमें अल्लाह का खुद पैगाम लिखा हुआ है कि मर्द और औरत, लड़का और लड़की में कोई भी फर्क अल्लाह की नजरों में नहीं है। इवन जब इकरा आया तो इकरा का डेफिनेशन भी आया कि ये मर्द और औरत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, पढ़ना है और सबको पढ़ना है। अब आती है बात कि ये किसको नहीं पता है कि औरतों को जलील करना, औरतों को रुस्वा करना, औरतों को बेइज्जत करना, ये प्रथा इस्लाम में नहीं चल रही, 1450 साल से चल रही। औरत पैर की जूती होती है, ये मुसलमान मर्दों के दिमाग में पेवस्त करने वाली भी औरत ही होती है जिस कोख से वो जन्म लेता है, क्योंकि वो उसको सिसकता हुआ देखता है, उसको डरा हुआ देखता है, उसको सहमा हुआ देखता है, उसको जुबान बंद करने रखने वाली गुड़िया देखता है, उसके उसके जुबान को सिला हुआ देखता है, और जिस कोख से वो पैदा होता है उसी कोख को जब वो गूंगा बहरा अंधा देखता है तो वो समझ लेता है औरत का मुकाम इस्लाम में और मुसलमान घरों में सिर्फ एक अय्याशी और बिस्तर पर अपने अपने ठरक को पूरा करने का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या सूरह 19 सूरह मरियम हम भूल जाएं? अल्लाह के करिश्मे से मरियम अलैहि सलाम के कोख में हजरत ईसा अलैहि सलाम आए, और जब हजरत ईसा अलैहि सलाम आए तो क्या मुसलमानों ने पत्थर नहीं मारे थे मरियम अलैहि सलाम पर? क्या उनके ऊपर नहीं लगाई थी? क्या उनको घर से घर नहीं करवाया गया था? क्या उनको बेआबरू नहीं किया गया था? क्या उनको रुस्वा नहीं किया गया था? क्या उनके चरित्र नहीं किया था? तो किसने किया? कोई सनातनी आकर किया था? कोई यहूदी आकर के किया था? नहीं, मुसलमानों ने किया था, और उनके मोहल्ले के लोगों ने किया था, उनके रिश्तेदारों ने किया था, उनके सोशल गैदरिंग ने किया था। और तब वो घर से बेघर होकर के उस बच्चे को जब जन्म दे करके लेकर के आए, तब भी उस बच्चे को नाजायज कहा जा रहा था, और तब बीबी मरियम ने बहुत बहुत पिस ऑफ होकर के, बहुत परेशान होकर के उन्होंने कहा कि बच्चे का बाप जानना है तो बच्चे से खुद पूछो, और तब बच्चे गोद का बच्चा आवाज दिया कि मैं तो करिश्मा हूं। अब अल कुरान में अल्लाह तबारक ताला के करीबी 25 पैगंबर बहुत करीबी थे, जिससे अल्लाह तबारक ताला बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत पसंद करते थे। हालांकि सबसे बड़ा रुतबा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, सबसे आखिरी में जन्म होने के 12 रबीउल अव्वल को जन्म होने के बावजूद भी उनको पहला और आखिरी पैगंबर माना गया जी। और उस 25 पैगंबर जो अल्लाह के सबसे नजदीकी और सबसे प्यारे प्यारे नबियों में से वो 25 नबी थे, या उसमें बीबी फातिमा का नाम है, या उसमें बीबी मरियम का नाम है, या उसमें बीबी खतीजा का नाम है, या उसमें बीबी सफिया का नाम है? नहीं है, नहीं है। हमारे इस्लाम के हिसाब से, हमारे मुस्लिम क्लेरिक और प्रीचर के हिसाब से, हमारे इस्लाम के ठेकेदारों के हिसाब से, हम कभी पैगंबर हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम इस्लाम की नजरों में हम कभी मुकम्मल पाक ही नहीं होते। और ये सर्टिफिकेट देने वाले क्लेरिक अपने आप नहीं बने हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने उनको सिखाया है, समझाया है। ये मुगलों ने बताया है कि औरत का काम होता है या तो मुगल बादशाहों के सामने घुंघरू लगा करके नाचना, और या तो कपड़े खोल करके पट्टे पर बैठना। ये मुगलों ने बताया है कि औरत का काम हरम में कपड़ा खोल करके राजा बादशाह सलामत के लिए उनकी उनकी शारीरिक जरूरत के तहत उसको अवेलेबल होना है, और जब बादशाह सलामत अपने काम में बिजी रहेंगे तो उसको कपड़े पहन करके उनसे बहुत दूर किसी दूसरे हरम में जाकर के इंतजार करना है, उस वक्त तक जब तक बादशाह सलामत को खुद एहसास ना हो कि जो हरम में बैठी है उसको जरूरत है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाइकान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने
ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो मजहब के ठेकेदार और शांति दूत हैं, जो औरत को पांव की जूती समझते हैं, उनको जमकर एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।